हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब यहाँ से अपने पेटीएम एप्लीकेशन को आप यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं अपना मोबाइल नंबर डाल करके, तो यहाँ से गाइज आप जो अकाउंट है वो यहाँ पे नहीं लॉगिन हो पा रहा है और यहाँ पे गाइज आपके सामने ब्लॉक ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन का यहाँ पे इशू आ जा रहा है। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा ताकि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए। तो इसके लिए गाइज आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने से पहले यहाँ से गाइज मैं बता दूँ कि अभी जो मैं वीडियो आपको शूट करके दे रहा हूँ ये मेरा जो वीडियो फ्रेंड वो कमेंट रिकमेंडेशन के बेस पर बनाया गया वीडियो है। तो इसलिए गाइस यहाँ पे मैंने काफी अच्छा रिसर्च किया हुआ है तभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। देखिए गाइस, अगर आप इस टॉपिक को सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी, बट गाइस उस वीडियो में आपको सही सोल्यूशन नहीं बताया गया है, बल्कि आप वहां से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप और स्टक हो जाएंगे, मतलब कि आप और अधिक उलझ जाएंगे। लेकिन गाइज अभी मैं जो वीडियो बनाया हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो फाइनली गाइज अब चलिए बताता हूँ कौन सा एक स्टेप है जिसको फॉलो करके आप बहुत इजीली यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर मैं आपको चलिए शुरू से बताता हूँ। तो अभी गाइज यहाँ पर देखिए मैं फोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ से देखिए गाइज यहाँ पर आप मेरे फोन में जो मेरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो पेटीएम एप्लीकेशन आप यहाँ इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्ले स्टोर पर जाकर के एक बार चेक लेंगे, अगर एप्लीकेशन अपडेट है तो अच्छी बात है और अगर नहीं अपडेट है तो आप वहां से अपडेट कर लेंगे और जैसे अपडेट हो जाएगा तब उसको ओपन करेंगे। सो फाइनली गाइस यहां पे देखिए मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं। अब देखिए गाइस जैसे आप यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका होम इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ से देखिए लिखा हुआ है लॉग इन और क्रिएट न्यू अकाउंट। तो सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपना अकाउंट लॉग इन भी कर सकते हैं पेटीएम में, या फिर अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ से न्यू अकाउंट बना भी सकते हैं। तो फाइनली गाइस आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो इशू था आपको पेटीएम ब्लॉक की डेट ऑफ सिक्योरिटी रीजन, तो जो इशू था आपको जिस भी नंबर के साथ आ रहा था वो नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ से टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आप यहाँ प्रोसीड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। बोले गाइज यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करती हूँ। अब गाइज यहाँ मैं प्रोसीड सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ। अब गाइज जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो परमिशन अलाउ करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करके आप यहाँ प्रोसीड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो भी आप जो नंबर डालेंगे फ्रेंड आपके उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बगैर आप क्या करेंगे, आप यहाँ प्रोसीड सिक्योरिटी पे दोबारा क्लिक करेंगे। सो एटलीस्ट अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे यहाँ से ओटीपी को फिल करके यहाँ प्रोसेस सिक्योरिटी पे क्लिक किया तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख मेरे सामने तरह से इशू आ गया और यहाँ पे देख लिखा हुआ अलर्ट ब्लॉक ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। यहाँ से गाइस बताया गया है कि अलर्ट मतलब कि यहाँ पे मुझे सावधानी चेतावनी दे रहा है कि यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो चलिए गाइस यहाँ से बताता हूँ कि जो इशू यहाँ पे क्यों आया है उसके गाइस यहाँ से बताता हूँ इसका क्या एग्जैक्टली सॉल्यूशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो इशू आपको क्यों आया है। तो देखिए जहाँ तक बात करें इस इशू के आने का, तो देखिए गाइस यहाँ पे पहला रीजन तो ये हो सकता है फ्रेंड कि आपके अकाउंट के साथ काफ़ी छिड़कानी हो सकती है जिस वजह से गाइस यहाँ पे ये इशू आया है, या फिर हो सकता है कि कई बार आपने इस अकाउंट को किसी अदर फोन में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हों तभी यहाँ पे आपको ये इशू आया है। अब चलिए गाइस यहाँ से बताते हैं अगर इशू आ भी गया है तो इसका क्या एग्जैक्टली सॉल्यूशन है ताकि आपका जो प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए और यहाँ पे जो आपका अकाउंट हो यहाँ पे प्रॉपरली लॉगिन हो जाए। तो देखिए जो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिए गाइस यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने फोन के डायलर पैड में आना होगा और यहाँ पे गाइस आपको जो ये नंबर शो हो रहा है 0120 और यहाँ से 4456456, तो सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और यहाँ से जैसे आपके पास कस्टमर केयर से बात हो जाएगी तो आप उनसे बात करेंगे गाइस, उनको बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा जो अकाउंट हो यहाँ से ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे सक्सेसफुली सही हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस अगर मैं आपको एज ए प्रूफ दिखाना चाहूँ तो यहाँ से देखिए मैं इस नंबर पर कॉल किया था, तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे इस नंबर पे 6 जनवरी को कॉल किया था 7:29 पे और यहाँ से देखिए मेरा इनसे जो है बात हुआ था 7:56 और यहाँ से 5 मिनट। तो गाइस यहाँ से मैंने इनसे बात किया था और उनसे बोला था कि यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है फ्रेंड वो यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। तो उन्होंने गाइस मुझे बताया था कि आप 24 आवर्स का वेट करिए, यहाँ पे जब आपको प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि यहाँ से देख मैं 6 जनवरी को कॉल किया था और यहाँ से मेरा जो प्रॉब्लम था फ्रेंड वो जो है 8 जनवरी को सुबह, मतलब कि 8 जनवरी जैसा कि आज ही है, तो सुबह मेरा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया था ताकि यहाँ से मैं शाम को वीडियो बना पा रहा हूँ। तो यहाँ से गाइस मैं इस वीडियो को तभी बना पा रहा हूँ क्योंकि जहाँ से मेरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से गाइस आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और यहाँ पे गाइस आपका जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस में गाइस मुझे आपको ये बताना था अगर ऐसा इशू आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सर किसी फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।